दिल्ली को हर खतरे से बचाने और हर खतरे का सबसे पहले सामना करने वाली देश की नंबर वन दिल्ली पुलिस आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। 74 सालों से देश की सेवा में हर पल तैयार रहने वाली और दिल्ली के कोने कोने पर अपनी निगाह रखने वाली दिल्ली पुलिस दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बनी हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली को हर खतरे से महफूज रखने वाली दिल्ली पुलिस आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। इन 74 सालों में दिल्ली समेत देश में कई ऐसे मौके आए जब दिल्ली पुलिस ने देश को ये बताया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो दिल्ली पुलिस से बेहतर कोई नहीं। दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में कई समारोह आयोजित किए गए। समारोह के जरिए दिल्ली पुलिस को उनके 74 सालों के कर्तव्य निष्ठा के लिए धन्यवाद दिया गया। दिल्ली के इस समारोह में शामिल होने खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की सलामी ली और उनकी प्रशंसा की। दिल्ली पुलिस के उनके 74th रेजिंग डे पर मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि दिल्ली पुलिस न्यू हाइट्स पर पहुंचे। आज आपके बीच में उपस्थित होना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आने वाला साल देश का साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं। आज जो कार्यक्रम शानदार परेड दिल्ली पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है इस रेजिंग डे पर, स्पेशली इस बार से शुरू किया गया महिला म्यूजिकल बैंड बहुत इम्प्रेसिव थे। इससे जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिल्ली पुलिस की स्थापना 16 फरवरी 1946 को हुआ था, जबकि दिल्ली पुलिस के पहले पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति साल 1948 में हुई थी। डीडब्ल्यू मेहरा दिल्ली पुलिस के पहले पुलिस महानिरीक्षक बने। डीडब्ल्यू मेहरा की नियुक्ति 16 फरवरी को हुई थी, इसलिए 16 फरवरी के दिन ही दिल्ली पुलिस अपना स्थापना दिवस मनाती है। इसके अलावा जुलाई 1978 से दिल्ली में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई। उस वक्त दिल्ली पुलिस में पुलिस बल की संख्या लगभग 84,000 के करीब थी, वहीं थानों की संख्या 209 थी। 2019 के पुलिस डेटा प्लेस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस भारत के बजट, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे बेहतरीन है। इसके बाद केरल और महाराष्ट्र की पुलिस का नंबर आता है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी पुलिस बल के प्रयासों की सराहना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस को उनके 74वें स्थापना दिवस को लेकर बधाई दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों और उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। विपरीत परिस्थितियों में भी देश की राजधानी की सुरक्षा व शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः समर्पित दिल्ली पुलिस के बहादुर जवानों के साहस, संयम और संकल्प को सलाम करता हूं। दिल्ली को हर खतरे से बचाने के लिए तैयार रहने वाली दिल्ली पुलिस के कर्तव्यों का सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना महामारी में किए गए उनके बेहतरीन काम हैं। जब देश और खासकर दिल्ली कोरोना महामारी से जूझ रहा था, जब कोरोना के डर से लोग अपने परिवारों के साथ घरों में कैद थे, तो ऐसे वक्त में दिल्ली पुलिस अपने परिवारों की चिंता किए बिना लोगों की सेवा में लगी थी। दिन रात सड़कों पर गश्त कर लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रही थी। सड़कों पर फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम भी दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया। यहां तक कि कोरोना महामारी के दौर में दिल्ली पुलिस ने लोगों के घरों पर जरूरी सामान भी पहुंचाए, भले ही उनके घरों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दिल्ली पुलिस की यही कर्तव्य निष्ठा उन्हें देश के नंबर वन पुलिस का दर्जा दिलाती है और आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस का ये सफर अपने साथ और भी कई उपलब्धियों को जोड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस किस तरह से मनाया जा रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राकेश सोनी जुड़ चुके हैं लाइव। राकेश, आपसे जानेंगे जिस तरह से आज 74वां स्थापना दिवस है दिल्ली पुलिस का, ऐसे में अगर हम बात करें कि कितना महत्वपूर्ण ये दिन माना जा रहा है और किस तरह से इस दिन का आगाज किया जा रहा है। देखिए सुखा, जिस तरीके से क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली पुलिस के लिए और साथ ही साथ हर एक देशवासी के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस को जो दर्जा मिला है वो स्मार्ट पुलिस का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो कार्य शैली है और करने का तरीका है और पब्लिक डीलिंग का तरीका है वो बेहद ही खास होता है। और जिस तरीके से क्योंकि आज स्थापना दिवस का 74वां स्थापना दिवस है, जिसके क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद जी किशन रेड्डी ने जो सलामी है वो ली थी और दिल्ली पुलिस के जो मुखिया है एस एन श्रीवास्तव वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। साथ ही साथ अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है उनको और उनके काम को सराहना करी और साथ ही साथ उनको बधाई दी। तो बेहद ही खास दिन है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार जिस तरीके से इससे पहले की बात की जाए चाहे कोरोना काल में जो भूमिका निभाई थी और उसी भूमिका को निभाते हुए दिल्ली पुलिस को एक हैशटैग मिला था, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस का टैग जो मिला था वो बेहद ही काबिल-ए-तारीफ था। और साथ ही बाकी अगर पुलिस की बात करी जाए तो और पुलिस को भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पर जगह जगह पर सिक्योरिटी व्यवस्था हो चाहे क्राइम का ग्राफ हो हर चीज पर अंकुश लगाना दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से निभा रही है। उसी कार्य को देखते हुए दिल्ली पुलिस का जो आज स्थापना दिवस था उसकी सराहना इसीलिए गृह मंत्री के साथ साथ, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे थे पुलिस मुख्यालय के अंदर, ये पूरा कार्यक्रम होता है तो काफी ज्यादा सराहना करेगी इस कार्यक्रम की। और साथ ही साथ जो जवान, क्योंकि दिल्ली पुलिस के तकरीबन 34 जो जवान थे इस कोरोना काल में उनकी मृत्यु भी हुई थी तो उनके लिए दुख व्यक्त भी किया गया साथ ही साथ, लेकिन जिस तरीके से जो लगातार जो काम है वो किया जा रहा है उस काम की सराहना करेगी। और एक स्मार्ट पुलिस का जो दर्जा है दिल्ली पुलिस को मिला है और आज का जो स्थापना दिवस था ये बेहद ही खास इसलिए था क्योंकि आज 74 साल हो गए हैं और आपको बता दें कि 1 जुलाई 1978 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक खास दिन था और पूरी तरीके से, क्योंकि दिल्ली के तमाम अलग अलग जगहों के जितने भी डीसीपी एसीपी इन सभी रैंक के जो लोग थे ये भी परेड में मौजूद थे, परेड जहां हो रही थी, तो सभी के लिए दिन आज का बहुत खास था, महत्वपूर्ण दिन था। बिल्कुल राकेश, वही अगर देखा जाए तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी, चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस हो, उसके ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है उस राज्य की पूरी सुरक्षा प्रणाली को कंट्रोल करना। अगर लेकिन अगर हम बात करें देश की राजधानी की दिल्ली पुलिस की, तो यहां पर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से, क्योंकि अगर आज की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि सबसे बड़ा देखा जाए तो कार क्षेत्र है वो दिल्ली पुलिस के पास है, अगर क्योंकि राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में हर एक वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ एक आम नागरिक सभी की जो जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस के कंधों पर होती है और उसको बखूबी निभाना होता है। साथ ही अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि पूरा लगातार देखा जाए तो 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी दिल्ली पुलिस ने जो जिस तरीके से जो संयम है वो पूरी तरीके से बरता था, क्योंकि अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए 26 जनवरी की जो घटना सामने आई थी उसमें दिल्ली पुलिस ने जो संयम बरता था वो काबिल-ए-तारीफ था, जिसकी सराहना देश भर कर रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर आपा नहीं खोया। जिस तरीके से उनके साथ जो बर्बरता करी गई थी किसानों के द्वारा और कुछ उपद्रवियों के द्वारा, तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपना संयम बनाए रखा था वो भी काबिल-ए-तारीफ था। साथ ही साथ अगर आज की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैं वही बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि लगातार हम दिल्ली पुलिस को कवर करते आ रहे हैं और जिस तरीके से जो दिल्ली पुलिस का काम करने का तरीका होता है, यानी कि वो अपने परिवार वालों से 3-3, 4-4 दिन 1-1 हफ्ते तक नहीं मिल पाते हैं और खुद दूसरे को जो सुरक्षा मुहैया कराने की वो उनकी जो समस्या है उनका निदान दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस हमेशा सदैव ही जो तत्पर लगी रहती है और हमेशा सड़क पर नजर भी आती है जगह जगह पर। और इसी वजह से आज स्थापना दिवस काफी ज्यादा खास रहा क्योंकि सभी ने उनके काम की जो सराहना है वो करी। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि तमाम चुनौतियों का सामना दिल्ली पुलिस ने किया है, लेकिन अगर हम उन महत्वपूर्ण चुनौतियों की बात करें जहां पर दिल्ली पुलिस ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है और सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस को इसके लिए उनको काबिल-ए-तारीफ माना जाता है। देखिए जिस तरीके से, क्योंकि अगर हम 2-3 ऐसे मूवमेंट ऐसे आए थे जहां पर अगर दिल्ली पुलिस का जो कार्य शैली है वो काबिल तारीफ था, संयम देखने को मिला, साथ जो कार्य करने का तरीका था, क्योंकि अगर मैं पिछले साल की बात करूं, क्योंकि कोरोना काल को लेकर देखा जाए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सड़कों पे थी, लोगों को खाना खिलाना, उनके घर तक राशन खाना दूध तक मुहैया कराना वो काबिल तारीफ था। साथ ही साथ अगर रिसेंटली अगर बात की जाए तो 26 जनवरी का जो पूरा घटना क्रम था उसमें जिस तरीके से संयम बरता गया, क्योंकि ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, पूरी अभी की नई बातें
देश भर के लोगों के साथ साथ दिल्ली के तमाम आम नागरिक ने भी इन चीजों को देखा और महसूस किया कि दिल्ली पुलिस केवल कहने के लिए आपके साथ नहीं है, हर जगह पे डटी हुई है। और शायद पर्चे जो है वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर दिया भी, और कई सारे ऐसे मूवमेंट भी हो, चाहे कई केसों की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे केस को खोला है जो कि नामुमकिन था किसी और पुलिस के लिए। कि अगर अलग अलग राज्यों की बात किया तो दिल्ली पुलिस एक स्मार्ट पुलिस बन चुकी है, और लगातार जिस तरीके से, क्योंकि कार्य करने का जो दिल्ली पुलिस का तरीका है वो अलग है पूरी तरीके से, चाहे महिला पुलिस कर्मियों की बात की जाए जो दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती है, चाहे वो पुलिस के जो जवान है, तो तमाम अलग अलग तरीके से जो हैंडल है दिल्ली पुलिस करती है लोगों को, चाहे जिस तरीके से अलग अलग चीजें अब चेंज भी हुई है। क्योंकि अगर पुलिस परिक्रमा की बात की जाए तो वो अलग अलग जगहों पर जो गाड़ियां हैं चलती फिरती चौकी, और साथ ही साथ पेट्रोलिंग करने का जो तरीका है वो बेहद खास हुआ है। साइकिलिंग से भी दिल्ली पुलिस जो है पेट्रोलिंग करते हुए नजर आती है। जो अधिकतर में क्लस्टर रेडियो की बात करें, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम होने की घटनाएं सामने आती है उन जगहों पर साइकिलिंग से पुलिस जो है पेट्रोलिंग करती है, तो दिल्ली पुलिस के अलग अलग जो चेहरे हैं वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिलते हैं हर दिल्ली वालों को, और अलग अलग जो राज्यों की जो पुलिस है उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अगर कहीं कोई अपराधी होता है तो उसको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस जो है अलग अलग राज्यों में जाती, तो वहां पर भी जो है सूझबूझ का जो पर्चा है वो देती, तो वो बेहद ही काबिले तारीफ है। और इसी तरीके से क्योंकि आज जी किशन रेड्डी जब यहाँ पर पहुंचे पुलिस मुख्यालय में, तो उन्होंने भी दिल्ली पुलिस के जो मुखिया है एसएन श्रीवास्तव उनसे भी बात करी, और उनसे भी यानी कि जो सारी चीजें हैं उनकी तारीफ करी, उनके जवानों की तारीफ करी। क्योंकि दिल्ली पुलिस का पूरा कार्य जो है वो इस वक्त जो है एसएन श्रीवास्तव देख रहे हैं, तो पूरी तरीके से उनकी जो तारीफ है वो करेगी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस को अलग अलग मूवमेंट पर जो फेस करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग चैलेंज होते हैं दिल्ली पुलिस के पास, उसको बखूबी निभा कर जो भी अगर अपराधी होता है तो उसको सलाखों तक पहुंचाना, साथ ही साथ अगर जो बेगुनाह लोग हैं और किसी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसकी रक्षा करना भी दिल्ली पुलिस बखूबी निभाती है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो दिल्ली पुलिस आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है, तमाम तरह की चुनौतियों से निपटना दिल्ली पुलिस के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है, और यहाँ पर सहनशीलता सूझबूझ का पूरी तरह से परिचय देती हुई दिल्ली पुलिस आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है।